में जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। बजट सत्र के चौथे दिन विपक्ष के भारी हंगामे के चलते सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कई विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद के दोनों सदनों में स्थगन नोटिस प्रस्तुत कर अडानी समूह और चीन के साथ सीमा पर स्थिति पर तत्काल चर्चा की मांग की। सरकार ने आज कहा कि अडानी समूह से जुड़े मुद्दे से उसका कोई लेना देना नहीं है। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को बाधित कर रहा है। ऐसा लगता है विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अडानी मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की विपक्ष की मांग खारिज कर दी। कांग्रेस और 15 अन्य विपक्षी दलों ने इस बात पर जोर दिया कि अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़े मामले पर चर्चा और जांच की मांग संसद के दोनों सदनों में उठाते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर की अर्थव्यवस्था और प्रगति में पर्यटन की भूमिका को अहम बताया और कहा कि विकास की दौड़ में पिछड़ गए वंचितों के लिए सरकार का बेहद गंभीरता से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम के बारपेटा में कृष्ण गुरु सेवाश्रम में विश्व शांति के लिए आयोजित कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में श्रद्धालुओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कृष्ण गुरु द्वारा प्रचारित ज्ञान, सेवा और मानवता के संदेश से भारतीय परंपरा और मजबूत होती जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की कल्याणकारी योजनाओं की प्राणवायु समाज की शक्ति और जनभागीदारी है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को जनभागीदारी ने सफल बनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान की सफलता के पीछे भी सबसे बड़ी वजह जनभागीदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत की सबसे बड़ी अहमियत, सबसे बड़ा मूल्यवान खजाना हमारी नदी तटों पर ही है, क्योंकि हमारी पूरी संस्कृति की विकास यात्रा नदी तटों से जुड़ी हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि गंगा विलास रिवर क्रूज से दुनिया असम की सुंदरता और संस्कृति को बेहतर तरीके से जानेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने पहली बार पारंपरिक कारीगरों के कौशल को बढ़ाने का संकल्प लिया है। इनके लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आबकारी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय के पूरक आरोप पत्र पर सवाल उठाने को लेकर शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि इससे साबित होता है कि वो भ्रष्टाचार में शामिल है। भाजपा की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया कि ईडी के आरोप पत्र से स्पष्ट होता है कि आम आदमी पार्टी का अनियमित कारोबारियों के साथ गठजोड़ है। उन्होंने कहा कि ईडी ने जांच के जरिए साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी शराब नीति की आड़ में भ्रष्टाचार में लिप्त थी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रचार अभियान शुरू किया। आज एक ही दिन में भाजपा ने 32 स्थानों पर जनसभाएं की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अमरपुर में विजय संकल्प जनसभा में कहा कि लोगों के कल्याण के लिए नहीं बल्कि त्रिपुरा में अपने अस्तित्व बचाने के लिए वाम मोर्चा और कांग्रेस ने हाथ मिलाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा त्रिपुरा को दुनिया भर में आगे ले जाने की लड़ाई लड़ रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऊनाकोटी में जनसभा में कहा कि 5 साल पहले त्रिपुरा में उग्रवाद, हिंसा बंद हुआ करती थी, लेकिन भाजपा शासन में राज्य में शांति, विकास और संपन्नता कायम हुई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों से सभी के लिए अच्छे रोजगार और समावेशी विकास के अधिक अवसर पैदा करने में मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक में कहा कि दुनिया के दूसरे सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश के रूप में रोजगार के भविष्य को आकार और समावेशी विकास को दिशा देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। G20 की पहली सतत वित्तीय कार्य समूह की बैठक गुवाहाटी में संपन्न हुई। बैठक में 95 प्रतिनिधियों, 10 आमंत्रित देशों और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि बैठक का उद्देश्य वैश्विक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायता के लिए धन जुटाना है। G20 की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत यूथ 20 संपर्क समूह की पहली बैठक असम के गुवाहाटी में 6 से 8 फरवरी को होगी। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि Y20 समूह एक बेहतर कल के लिए सुझावों और विचारों पर युवाओं की राय जानने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर चर्चा आयोजित करेगी।
भारतीय डाक दिल्ली के प्रगति मैदान में 11 से 15 फरवरी तक राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 आयोजित करेगा, जिसमें भारत के इतिहास, संस्कृति, कला, विरासत को उजागर करने वाले कार्यक्रम और प्रदर्शनियां आयोजित होंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश का वित्तीय बाजार सुव्यवस्थित है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक घटना जिसकी वैश्विक रूप से चर्चा हो रही है, इस बात का संकेत तक नहीं होती कि भारतीय वित्तीय बाजार को कितनी अच्छी तरह शासित किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि निजी चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर के वित्तीय संस्थानों ने विस्तृत बयान जारी करके दर्शाया है कि उनका अडानी ग्रुप में सीमित जोखिम था और शेयर क्रैश होने से वे ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन जहां 400 से 600 किलोमीटर की दूरी के लिए थी, वहीं दो शहरों को जोड़ने के लिए वंदे मेट्रो चलाई जाएगी, जिनकी दूरी 100 किलोमीटर से कम होगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर उसके 6 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके ठिकानों से हथियारों का गोला बारूद, जखीरा बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में करीब 6 घरों में दरारें आई हैं। ये दरारें ठीक वैसी ही बताई जा रही जैसे उत्तराखंड के जोशीमठ में देखी गई। जिला प्रशासन के मुताबिक अब ये दरारें लगातार बढ़ रही हैं, साथ ही ये इलाका नीचे की ओर धंस रहा है। सरकार जल्द से जल्द समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। हरिद्वार के SSP अजय सिंह ने कहा कि पटवारी पेपर लीक मामले के बाद अब लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई JEE और AE की परीक्षा भी लीक होने के सबूत मिले हैं। इसे लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही कई लग्जरी कारें बरामद की हैं। दिल्ली पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय हथियार और गोला बारूद कार्टल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने उनके पास से भारी मात्रा में पिस्तौल बरामद किया है। नवी मुंबई के तुर्भे डंपिंग यार्ड में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। अभी तक हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। कांग्रेस ने पंजाब के पटियाला से पार्टी की लोकसभा सदस्य परणीत कौर को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित कर दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सूरज कुंड मेले में कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था है और हमारे उदय में शिल्पकारों का अहम योगदान है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के प्रगति मैदान में प्लास्ट इंडिया एक्सपो का दौरा किया। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के लिए 3D प्रिंटिंग से बने बैग भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल झारखंड के देवघर जा रहे हैं, जहां वे विजय संकल्प रैली के तहत मिशन 2024 का शंखनाद करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि असम में बाल विवाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शुक्रवार को राज्य भर में कम से कम 1800 लोगों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत स्वीकृति पत्र वितरण और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत राशि वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो परिवार इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, उनकी जिनकी 5 एकड़ तक जमीन है, ऐसी बहनों को लाडली बहन योजना का लाभ मिलेगा। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवदास किशोर की हत्या पर चुप्पी तोड़ते हुए पुलिस महानिदेशक सुनील बंसल ने कहा कि जांच में कुछ और समय लगेगा, किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। कोयला खदानों में ड्रोन तकनीक की शुरुआत की गई है। कोयला मंत्रालय के महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड ने कोयला खदानों में ये ड्रोन तकनीक की शुरुआत की है। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र में करघा और पत्थल गड्ढा में लगभग 90 एकड़ क्षेत्र में लहला रही प्रतिबंधित अफीम की फसल CRPF और पुलिस की संयुक्त टीम ने नष्ट कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार स्क्रैप पॉलिसी पर केंद्र सरकार के नए नोटिफिकेशन के तहत 1 अप्रैल 2023 से पहले प्रदेश के सभी 15 साल से पुराने वाहनों को स्क्रैप में भेजने के प्रति गंभीरता से प्रयास कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव KK पाठक की अभद्र भाषा का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसकी जाँच मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित BBC की डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंधित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की नए 5 नए जजों की नियुक्ति से संबंधित सिफारिश पर केंद्र जल्दी फैसला लेगा। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रविवार तक नियुक्ति को क्लीयरेंस दे दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस जनहित याचिका में लाखों निर्दोष निवेशकों का शोषण करने और उन्हें ठगने के लिए हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नाथन एंडरसन के साथ ही उनकी अखिल भारतीय संस्थाओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि करीब 2 हफ्ते पहले एक आदेश में सिक्किमी नेपाली समुदाय को अनजाने में विदेशी के रूप में उल्लेखित करने के को लेकर सुधार के लिए उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर चुकी है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण क्षेत्र को बुद्ध विहार घोषित करने की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 5 फरवरी को मुंबई में होने वाली हिंदू जन आक्रोश रैली में किसी तरह का भड़काऊ भाषण न हो यह सुनिश्चित करने को कहा है। आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने दिल्ली नगर निगम के मेयर पद चुनाव जल्द कराने की मांग वाली अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। उन्होंने कहा कि 6 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ की गई एक टिप्पणी से जुड़े केस में राहत दी है। कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी गई है। आसनसोल की एक विशेष सीबीआई अदालत ने पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के मवेशी तस्कर घोटाले में कथित संलिप्तता के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के वीरभूम जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने वित्तीय लेखा सहायक परीक्षा पेपर लीक जांच के मामले में जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में 37 स्थानों पर छापेमारी की है। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज। रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड एमओयू होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें, नए भारत का ग्रोथ इंजन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन निवेशकों के लिए राहत भरा रहा। सेंसेक्स 909 अंकों की उछाल के साथ 60,841 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 243 अंकों की बढ़त देखने को मिली। निफ्टी आज 17,854 के अंक पर बंद हुआ। रुपया भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 34 पैसे मजबूत होकर 81.86 रुपए प्रति डॉलर पर के स्तर पर बंद हुआ। भारतीय स्टेट बैंक ने चालू वित्त वर्ष के तिमाही के लिए शानदार नतीजों का ऐलान किया है। दिसंबर 2022 में खत्म तिमाही के दौरान बैंक का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 68.5% बढ़कर 14,205 करोड़ रुपए हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा का चालू वित्त वर्ष के दिसंबर में समाप्त तीसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 75% के उछाल के साथ 3,853 करोड़ रुपए हो गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे देश भर में 2,000 रेलवे स्टेशनों पर दुकानें खोलेगी जिसमें बुनियादी जरूरतों की वस्तुएं उपलब्ध होंगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि वैश्विक श्रम बाजार की जटिल और दूरगामी चुनौतियों का समाधान सिर्फ सहयोग और सहभागिता से किया जा सकता है। केरल सरकार ने आज पेश बजट में पेट्रोल डीजल और शराब पर सामाजिक सुरक्षा उपकर लगाने का प्रस्ताव किया है। इससे राज्य में वाहन ईंधन और शराब के दाम में वृद्धि होगी। फिच रेटिंग्स ने कहा है कि अडानी समूह पर कदाचार का आरोप लगाने वाले शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में अडानी समूह की कंपनियों और उनकी प्रतिभूतियों की रेटिंग पर तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस्पात क्षेत्र की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने जनवरी 2023 में अब तक का सर्वाधिक मासिक उत्पादन दर्ज किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने कहा कि अमेरिका चीनी जासूसी गुब्बारे पर लगातार नजर रखे हुए है।
चीन ने कहा कि अमेरिका में आसमान में उड़ रहा गुब्बारा चीन का है और इसे शोध के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। इस बीच चीन के विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के बीच नाभिकीय पनडुब्बी को लेकर बढ़ रहे आपसी सहयोग पर कठोर आपत्ति जताई है। हांगकांग के नेता जॉन ली ने घोषणा की है कि चीन और हांगकांग के बीच सीमा पार यात्राएं 6 फरवरी से पूरी तरीके से शुरू हो जाएंगे। यूरोपीय संघ और यूक्रेन के बीच कीव में चल रहे शिखर सम्मेलन में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन ने कहा कि यूक्रेन को ऊर्जा बचत योजना के तहत 35 मिलियन LED लाइट बल्ब दिए जाएंगे। इस बीच नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने रूस से नाभिकीय शस्त्रों को घटाने वाली स्टार्ट संधि का पूरी तरह से पालन करने की अपील की है। जर्मनी इस बीच यूक्रेन को सेना के स्टॉक के लेपर्ड 1 बैटल टैंक यूक्रेन को भेजने को मंजूरी दी है। इस्टोनिया की प्रधानमंत्री काजा कलास ने कहा है कि पेरिस ओलंपिक से रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को नहीं हटाया जाता तो इस्टोनिया पेरिस ओलंपिक का बायकॉट करेगा। इटली की प्रधानमंत्री गियोर्जिया मेलोनी ने स्टॉकहोम में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन से मुलाकात की। तुर्की ने कहा कि अमेरिका और जर्मनी समेत पश्चिमी देशों ने दूतावास बंद करने के संबंधी सुरक्षा खतरों को लेकर कोई ठोस सूचना नहीं मुहैया कराई। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद इलहान उमर को रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों की बहुमत वाली प्रतिनिधि सभा ने मतदान के लिए शक्तिशाली विदेशी मामलों की समिति से बाहर कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका का औपचारिक समूह क्वाड साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग और संबंधित आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर सहमत हुए हैं। स्लोवेनिया के उत्तर पश्चिमी इलाकों में एक बस के पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने स्टील्थ फाइटरों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। उत्तर कोरिया ने राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और देश में समाजवादी व्यवस्था विकसित करने के लिए देश की गोपनीय दस्तावेज की सुरक्षा को लेकर एक नया कानून बनाया है। मध्य प्रदेश में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज महिलाओं के वॉलीबॉल में कांस्य पदक मैच में हरियाणा ने केरल को शिकस्त दी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में लड़कियों के खो खो के फाइनल मैच में ओडिशा ने महाराष्ट्र को 6 अंक के अंतर से हरा दिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आर्टिस्टिक्स में मध्य प्रदेश की निशिता और रिया ने लड़कियों के आर्टिस्टिक पेयर इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महिला टेबल टेनिस के फाइनल में बाजी मारते हुए महाराष्ट्र की तनिषा कोटेचा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टेबल टेनिस में खेले गए लड़कों के फाइनल में पश्चिम बंगाल के अंकुर भट्टाचार्य ने उत्तर प्रदेश के दिव्यांशु श्रीवास्तव को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ शूटिंग में भी खिलाड़ियों ने धमाल मचाया। NRAI जनरल सेक्रेटरी कुंवर सुल्तान सिंह ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर खुशी जताई। भारतीय मुक्केबाजी दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की नवीनतम विश्व रैंकिंग में भारत 3rd स्थान पर पहुंच गया है। दक्षिण अफ्रीका ने महिला क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के साथ खेली त्रिकोणीय T20 सीरीज पर कब्जा कर लिया है। दक्षिण अफ्रीका ने फाइनल में भारत को 5 विकेट से हराया। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जोगिंदर शर्मा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। इंग्लैंड के खिलाफ आगामी 2 मैचों के टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम में शामिल किए जाने के बाद तेज गेंदबाज काइल जैमिसन ने कहा कि वे टीम में वापस आकर रोमांचित हैं और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व खिलाड़ी यासिर अराफात को राष्ट्रीय टीम का नया गेंदबाज कोच नियुक्त किया है। फ्रांसीसी रेसिंग ड्राइवर और इंजीनियरिंग जीन पियरे जवाइल का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जवाइल ने 1979 में रेनॉल्ट को पहला Formula 1 जीत दिलाई थी। फ्रांस के डिफेंडर राफेल वर्न अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। लेस ब्लूज के साथ उनका 10 साल का करियर समाप्त हो गया है। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने घाना के फॉरवर्ड आंद्रे एयो को सीजन के अंत तक अनुबंधित किया है। मार्को असेंसियो और विंसियस जूनियर के शानदार गोल की बदौलत रियल मैड्रिड ने गुरुवार को वैलेंसिया पर 2-0 की जीत हासिल की। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने फिल्म भोला का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया है। इसमें अभिनेता विनीत कुमार और गजराज राव भी नजर आ रहे हैं। फिल्मकार हंसल मेहता द्वारा निर्देशित फिल्म फराज रियल लाइफ होस्टेज ड्रामा है जो कि देश भर में चुनिंदा 100 स्क्रीन पर रिलीज होगी।
बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन की अगली फिल्म आदि पुरुष के टीजर के लॉन्च होने के बाद VFX को लेकर काफी चर्चा है। शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म पठान ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। अभिनेता आर्य बब्बर अपनी नई शॉर्ट फिल्म दिल है कि मानता नहीं से बतौर निर्देशक डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा ने खुलासा किया है कि करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा। दिग्गज फिल्म निर्माता और अभिनेता के विश्वनाथ का हैदराबाद में निधन हो गया, वे 92 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज तेलुगु फिल्म निर्माता और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित के विश्वनाथ के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक्शन से भरपूर अभिनेता एडम ड्राइवर की आगामी फिल्म 65 भारत में 10 मार्च को रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स का मानना है कि हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ को पिछले साल ऑस्कर में क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने की गलती के लिए माफ कर देना चाहिए। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD News। नमस्कार।